ही है तो करंबद्ध पर्याय का अर्थ तो आप समझते हैं ना, सबसे बड़ा जो सीधा सच्चा सरल भाषा में है वो यही है कि जैसा भूतकाल सुनिश्चित है वैसा ही भविष्य काल भी सुनिश्चित है। जैसे भूतकाल में शनिवार के बाद रविवार आता था, ऐसे ही भविष्य काल में अनंत काल तक शनिवार के बाद ही रविवार आएगा। ऐसा खुद प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंड ने और उसकी टीका में अमरचंद ने ये लिखा है कि भूतकाल की पर्यायों के समान भविष्य की पर्यायों को भी केवल भगवान अपनी बात पुरुषार्थ की चल रही थी, वही हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो पहले हमें ये तो नक्की हो गया ना कि सुराग नरक कई सीट खाली नहीं है, तेरे हिसाब से नहीं होगा, तो फिर मैं जाऊंगा कहां, मर के रटक के नहीं रह जाऊंगा, चिंता मत कर, तेरा भी नक्की है, जहां जाने का नक्की है वैसे ही तेरा भाव होगा और तू वहीं जाएगा। जाने के लिए रास्ता बंद नहीं है, उसमें फेरफार करने का रास्ता। लेकिन पुरुषार्थ तो बता ही नहीं, फिर तो हम एक लेन में बंद गए क्यों। तो मैं ये कहता हूं पुरुषार्थ कहते किसे हैं, क्या सिद्ध भगवान अनंत पुरुषार्थी हैं कि नहीं। अपने चार पुरुषार्थों के नाम आते हैं, कौन कौन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थ किनके होगा, जो मोक्ष में उनके मोक्ष पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं वे क्या करते हैं, अपने में फेरफार कर सकते हैं, वो एक प्रजा फेरफार कर सकते हैं, झगड़ा में ऐसा आता है कि जब भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली केवल ज्ञान होने के बाद, और 66 दिन बाद जब इंद्र गया गौतम स्वामी को लाया तान के आने पर दिव्य ध्वनि खिली, तो वहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कभी 66 दिन तक क्यों नहीं खिली, तो उनका योग्य शिष्य नहीं था, योग्य शिष्य क्यों नहीं था, नहीं था तो बाद में कहां से आया, केवल 100 धर्मेंद्र लाया, तो 100 धर्मेंद्र 66 दिन बाद क्यों लाया, पहले दिन क्यों नहीं लाया, जब वो ला सकता था तो पहले दिन क्यों नहीं लाया। ऐसी लंबी प्रश्नावली है और अंत में कहा कि वो दिव्य ध्वनि खिलने का काल ही वो था, गौतम स्वामी के आने का काल ही वो था, उसमें दुनिया की कोई ताकत फेरफार कर सकती नहीं। ऐसा ढोला में जवाब दूंगा। आज मैं भगवान के बारे में 6 महीना तक आहार नहीं मिला, 7 महीना होता 13 दिन तक आहार नहीं मिला ना, तो फिर कैसे मिल गया, कि राजा श्रेयांश को जात स्मरण हो गया, 6 महीना पहले क्यों नहीं हो, क्यों 6 महीना पहले क्यों नहीं हुआ वो जात स्मरण, उतने दिनों बाद ही क्यों हुआ, क्योंकि उनके भोजन का काल ही वो नक्की था। पहले तुम 1000 प्रयत्न करो तो कुछ होता नहीं है और वहां हमारी बुद्धि जाती नहीं है। देखो हम अपनी लड़की के लिए लड़का खोजते, सारी दुनिया छान मारी, चप्पलें घिसनी 3 जोड़ी, क्यों बहुत परेशान बहुत परेशान। फिर कहा किसी से, भैया कोई अच्छा लड़का बताओ हमारी लड़की के, तुम्हारे पड़ोस में वो रहता है तुम्हारा दोस्त, उसके भी बहुत अच्छा लड़का है, उसके बारे में तुमने कभी बात नहीं करी, वो तो मेरे ख्याल में ही नहीं, क्यों होता क्या नहीं बताया था। फिर गया वो उसके पास, भाई साहब आपका योग्य लड़का है, मेरी लड़की भी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इनका संबंध हो जाए तो क्या दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया बात है, स्वीकार है कि हाँ, तो आज तक कही क्यों नहीं, क्या बात करता है लड़का, लड़का वाला भी किसी लड़की वाले से कहता है, मन में तो मेरे बहुत था, लेकिन तूने कभी बात ही नहीं करी, क्यों तो सारी दुनिया बगल में है लेकिन जब तक काल बंदी नहीं आएगी तब तक उधर का विकल्प ही नहीं जाएगा, ऐसा नियम है। ऐसी 1-2 नहीं 1000 घटनाएं शास्त्रों में मिल जाएंगी और हमारे दैनिक जीवन में भी मिल जाएंगी।
तो मैं आपसे कह रहा था कि पुरुषार्थ, क्या पर में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है? हमको ये लगता है पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम जैसा चाहें जैसा मंदिर नहीं बना सकते, क्यों? बोलो हम जैसा चाहें वैसा बना सकते कि नहीं बना सकते? मैं कहता हूं अपना चेहरा जैसा चाहते थे वैसा बना लिया थे? अपने बालकों का चेहरा जैसा चाहते थे वैसा बना लिया? बहुत तो कोशिश करते हो ना, तो कौन कहां कहां जाते हो और सुबह से शाम तक उल्टे सीधे होते हो, लेकिन कुछ होता है? तो पर में कुछ करने का नाम ही पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पहला प्रश्न तो यही है, मान लो गए पुरुषार्थ है, पर में कुछ करने का नाम ही पुरुषार्थ है ऐसा मान लेते हैं। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, तुमने तो पुरुषार्थ किया तो उसकी आजादी का क्या होगा? बोलो उस वो भी तो आजाद है कि नहीं है? कहीं मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी इतनी सी बात की इच्छा की पूर्ति नहीं करता, कि तुम भी तो उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करते? वो भी तो चेतन प्राणी है, उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, सारी जिम्मेवारी उसी की तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने की है, तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति करने की नहीं है? बोलो। माने हम दूसरे का कुछ करें इसको हम अपनी आजादी कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, तो दूसरे की आजादी का क्या होगा ये बताओ? आप जो स्वतंत्रता चाहते हो वो प्रत्येक व्यक्ति की चाहते हो ना, जनजन की चाहते हो ना, कणकण की चाहते हो ना? तो कणकण की यदि स्वतंत्रता चाहते हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करेगा उसका नाम पुरुषार्थ होगा, तो बाकी के द्रव्यों को पुरुषार्थहीन होना पड़ेगा। लेकिन वीर नाम का गुण तो सब कुछ द्रव्यों में, क्यों? मैं जैसा चाहता हूं वैसा बने, तो दूसरा जो जैसे चाहते हैं उसका क्या होगा? दूसरे की भी आजादी का कोई महत्व है कि नहीं है? तो ये कहते भाई कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता धरता है, इसका नाम आजादी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता धरता हो इसका नाम आजादी है? तुम कौन सा पुरुषार्थ करते हो? मैंने वो तो बता दिया कि तीर्थंकर नहीं बन सकते, चक्रवर्ती नहीं बन सकते, इनमें तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा नहीं। एक पर में तो अपने अपनी पर्यायों में भी पुरुषार्थ नहीं चलता है तो दूसरों की पर्याय में कैसे पुरुषार्थ चलेगा? बोलो। तुमने कल्पना कर रखी है कि मेरी बहुत चलती हो, मेरी बहुत चली, लेकिन जिस देह के लिए तुम पूरी तरह समर्पित है उस देह पर भी तेरी या ग्रंथ मात्र की चला है, तुमने कल्पना की है कि हमारे बाल काले से सफेद हो गए, ये पूछ के हुए थे? यदि वे आपसे पूछते तो आप परमिशन देते कि हाँ हो जाओ सफेद? नहीं देते। इसका प्रमाण क्या है कि जिनके सफेद हो जाते हैं वे बाजार में जाके काला करवाते हैं, चाहे भले ही उसमें चेहरा काला हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि कोई नहीं चाहता कि बाल सफेद हो जाए, तो हो गए। और एक बाल को तो काबू में रख नहीं सके, क्यों? बोलो कीर्ति भाई, आप झगड़ा हुए, आपके तो सफेद ही हुए हैं, लोगों के तो गायब हो गए। अर्जुन जी, अरे इस बाल को आपके माथे पर जब तक रहना था रहा, तब तक आप हटा नहीं सकते, और जिस दिन जाना है उसको एक सेकंड रोक नहीं सकते। आपके हाथ में है क्या जो दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो? जिसे तुम पुरुषार्थ का लोभ कहते हो वो तो तेरी एक खोटी इच्छा है सारे जगत पर अपना अधिकार रखने की, वो तो उसका नाम है, उसको इच्छा रखने का था, वो कभी तेरी पूरी होने वाली नहीं है। ये अपने ऐसा कहते हैं ना कि पुरुषों की दाईं आंख फड़के तो अच्छी होती है सब, और महिलाओं की बाईं आंख फड़के तो अच्छी होती है, कहते नहीं कहते? फिर फेरफार करने की तेरी बुद्धि है ना, उसकी बात में कहता हूं, तो अपनी बाई आंख फड़क रही तो आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। तो आप क्या मानते हो गड़बड़ होने वाला है? मैंने भविष्य तो नक्की है और आंख आपको बता रही है, क्यों? यानी आंख गड़बड़ करेगी नहीं। आंख क्या है?
बता रही है तो आप अपने आप को क्यों फड़कने देते बाएं को, बंद कर दो आपकी है ना, और दाएं को फड़काओ ओरिजिनल देखी नहीं बाएं फड़क गई। आप अपनी फड़कती हुई आंख को रोक नहीं सकते और नहीं फड़कने वाली आंख को फड़का नहीं सकते, ये आंख तो अपनी है ना, लगता है आंसू ले आए लगता है नहीं ले आए बोलो जा सकते। जब आंसुओं को आना होता है आते हैं, और जब नहीं आना होता है नहीं आते। आपके लाने से कुछ नहीं होता, ना आप उसे लाने से रोक सकते हैं और ना समय के पहले ला सकते हैं। घर में 100 वर्ष की बुद्धि अम्मा थी, बरसों से खटिया पे तुम उठा रहा है सेवा करना पड़ती थी, सबके लोग सोचने लग गए थे कि न मरे न माता छोड़े कि तो ठीक हो जाए, बड़े इंतजार करते करते मुझसे से अम्मा जी पर लोग पधारी क्यों, अब क्या करें, गांव वाले मोहल्ले वाले आए लेकिन बहू की आंख में आंसू ही नहीं आए क्यों, वो तो बहुत बड़े झंझट से बची है। क्या करे, ला सकते हैं वो, लेकिन पुराने जमाने में तो हमारी माताओं बहनों को एक सुविधा थी कि कोई देख नहीं पाए घूंघट डाल दे छिपा सकती थी, आज हमने वो खत्म कर दिए। नहीं आए तो आंसू ला नहीं सकते, पुरुष का ऐसा नेचर है कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो लेकिन उसकी आंख में आंसू आए तो वो अपने को बहुत हीन अनुभव करता है, वो छिपाना चाहता है कि दुनिया देख ना ले कि मेरी आंख में आंसू है। क्या तो जब भी उसकी आंख में आंसू आने को होते हैं बाथरूम के बहाने भागता है, और अंदर जाके मुंह धो धोवा करके तो नॉर्मल नहीं हो जाता है तो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि दुनिया जानना तो ले रहे कि मैं रो रहा हूं, क्योंकि मेरा रोता ही जानते ही सामने तो शत्रु आक्रमण करेंगे, अब बेटा इस वक्त मौका है कि कमजोर है, मेरी कमजोरी प्रकट नहीं होने से ये मनुष्य का ऐसा नहीं कर, लेकिन अब आते हैं तो रोक पाते हैं बोलो, आते हुए आंसू को हम रोक नहीं सकते, नहीं आने वाले आंसू को हम ला नहीं सकते, एक आंसू पर तेरा कब्जा नहीं। तो देखो विचार करना कि जब हम पैदा हुए थे तब हमने क्या पुरुषार्थ किया था, अपने शरीर को बनाने में तरक्की करने में वजन बढ़ाने में आगे बढ़ने में कोई पुरुषार्थ किया था, कुछ नहीं किया था। तो 2-3 वर्ष के हुए तो जंगल में मिट्टी में खेलते थे, बाहर जाकर के पानी में गंदी गंदी चीजें छूते थे, माँ मना करती थी धूप में मत जा गंदगी हो परेशान हो जाएगा, हम माने, हमने कोई स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और दिन दूने और रात चौकने पड़े क्यों, फिर जवान हुए तो जरा सतर्क हो गए, वहां स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सतर्कता आ गई तो बढ़ना मिली चल, गर्भपात 60 में पहुंचे तो वन पॉइंट प्रोग्राम बस स्वास्थ्य स्वास्थ्य, सुबह से घोड़े जैसे जाके बाग में दौड़ रहे हैं। जो साहब 5 मिनट का रास्ता पैदल का था ऑफिस का, कभी पैदल नहीं गए, लोग क्या कहेंगे साहब पैदल आए हैं गाड़ी से गए, उन्हीं को मैंने सुबह 5 बजे बगीचे में टांगे के घोड़े जैसा हांफते हुए दौड़ते हुए देखा है, क्यों डॉक्टर कहता वेट कम कर, क्यों एक ही प्रोग्राम सुबह से शाम तक खाने में पीने में उठने में बैठने में है, दवाइयां गोलियों के पिंड रखे क्यों, और क्या हुआ धीरे 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 खत्म होते जाते कमजोर होते जाते, क्या है इस शरीर के पैदा होकर बढ़ने का एक सुनिश्चित क्रम है, उस क्रम में वो बढ़ता है उसी क्रम में वो डाउन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती है, आज तक कोई रोग पड़ा हो तो बताओ, कि फिर भी इसको करना है, फिर भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं बुढ़ापा नहीं आ मृत्यु नहीं आ इसको जीत रहे हैं उसको जीत रहे हैं और दवाइयां बन रही है, क्यों हमारे बाप दादे जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उन्हें विदाई करते वक्त माताएं बहने ये कहती थी कि छाती पर 100 गोलियां लगी हो तो चिंता की बात नहीं है, पीठ पर एक गोली नहीं लगनी चाहिए, मैं जौहर में मर जाऊंगी विधवा हो जाऊंगी चिंता की बात नहीं है, लेकिन मेरा पति कायर था ये नहीं सुनना चाहती हूं, वे छाती पर गोली खाने वाले थे, हम भी उनसे पीछे नहीं है, वो तो जिंदगी में कभी एक आध दो गोली खाते थे छाती पर, लेकिन हम तो रोजाना 10-5 गोलियां सीधी छाती पर फेंकते हैं
हर एक की देव की तलाशी लूं तो सबके में दो चार देव तीसरी देव तीसरी ने कहें कपड़ा नहीं मैं देखने वाला नहीं फिर भी हम बच पाएंगे क्या? अरे बच भी नहीं पाएंगे तो एक समय पहले जाएंगे भी नहीं। बारह भावना में ये बात लिखी है, किनमें जो है ना अपने धुरदास जी की बारह भावना, क्या लिखा है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसमें लगा सबको मरना एक दिन सबको एक दिन मरना, ये बात सच्ची है। अरे एक दिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं। एक दिन का अर्थ है एक ना एक दिन, माने कभी ना कभी हरेक को मरना पड़ेगा। तो कब तुमको कभी ना कभी मरना पड़ेगा, तो नक्की तो नहीं है ना, आप तो कह नक्की है। तो नीचे के पंक्ति में लिखा है कब, कि अपनी अपनी बार, जब जिसका नंबर आएगा तब, यानी नंबर बने नक्की हो गया। देवता मात पिता परिवार और मरती दुनिया जीव को कोई न राखनार, कोई नहीं बचा पाए। सेना संपत्ति दवाइयां गोलियां वैद्य डॉक्टर में कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ लेकिन कब, जब मरने का समय आ जाएगा तब। मैं आपसे पूछता हूं, ये मरने की चर्चा है जीवन की गारंटी, कि मरने का समय आ गया तो कोई बचा नहीं पाएगा, जब तक समय नहीं आया तब तक कोई मार नहीं पाएगा। ऐसा हमारे चित्त में पक्का विश्वास हो जाए तो ये 24 घंटे जो मरण भय हमारे चित्त में समाया रहता है वो एक सेकंड में चला जाए। मर न जाऊं, मर न जाऊं, मर न जाऊं, सारा इंतजाम जितना हो रहा है वो इस बात का ही तो हो रहा है कि मर न जाऊं। कितनी सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है, क्यों इंदिरा गांधी के माथे पर सारे देश की सुरक्षा का भार था, क्यों? और पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उसके दो टुकड़े कर दिए उसने, दुर्गा मैया बंदी, क्यों अपनी सुरक्षा काफी कम इंतजाम भी किया था, लेकिन क्या हुआ? चलो क्या हुआ नरेंद्र बाबू, क्यों मर गई वो? इसलिए मर गई कि उसके बेटे को प्रधानमंत्री बनने का पुण्य उदय आ गया था। वो सीट खाली नहीं होती, वो तो करने वाली नहीं थी, क्यों? वो तो इसी वजह के सीट खाली करने वाली थी नहीं, क्योंकि वो कहती थी कि मैं देश को मध्यार में छोड़कर नहीं सकती हूं, इसलिए मैं बराबर संभाले रहूंगी, क्यों? लेकिन मैं पूछता हूं, दो आदमी का एक साथ पुण्य का उदय तो नहीं रह सकता है ना? कोई किसी को बनाता है क्या? बहुत कहने वाले हैं कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, कि कोई किसी को बनाता है? मैंने, ये तो सब मिनिस्टर मेकर है, इनमें प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, ऐसे बहुत से लोग अपने को हम लेके चलते हैं। तुम बनाने वाला तो बन जाना, तुम खुद ही, तुम खुद नहीं बनना चाहता है क्या? कोई किसी को नहीं बनाता, कोई किसी को नहीं मिटाता, सबका अपना अपना काल सुनिश्चित है। ख्याल में आया ना, उसके हिसाब से ही सारी दुनिया चलती है। एक दफे अंदर की गहराई से इस बात का पक्का भरोसा हो जाए तो आप देखना तत्काल आपके चित्त में कितनी शांति आती है। सच्ची क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आ जाए तो शास्त्रों में यह बताया है कि अल्पकाल में तेरा मोक्ष होने वाला है, क्योंकि सारे कर्तृत्व का जो अभिमान है वो इसमें से खत्म हो जाता है। जब सब कुछ नक्की है तो मुझे क्या करना, तो सारे माथे का भार उतर जाता है। वादा ना, जिनके माथे भार बे डूबे भव भार में और हमको उतरे पार, झोंक भार को भार में। क्या कहते हैं जिनके माथे पर भार माने बोझा होता है वो पानी में डूब जाते हैं। अब खूब बोझा लेकर के पानी में जाओ और बोझा लेकर पार होना चाहो तो डूब के मर जाओगे, और जो बोझा फेंक देंगे
हाथ पैर मारेंगे तो पार हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बोझा काय का है? कर्तृत्व का बोझा। ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक कर्तृत्व का बोझा है। जब तक इसे अपने माथे से उतार के हम फेंकेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, पंडित जी बात तो आप ठीक कहते हो, बस अगर हमारा बच्चा काम संभाल ले तो बस हम तो आपके साथ हो जाएंगे। बहुत लोग कहते आप ठीक कहते, लेकिन क्या करें, सारा दुकानदारी का भार हमारे ही माथे तो है, घर गृहस्थी का। जब मेरे बच्चे हो जाए, ठिकाने लग जाए, काम संभाल लें, शादी विवाह हो जाए, फिर वहां। अरे दुनिया में आज तक ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ कि जिसने अपने माँ बाप को निश्चिंत कर दिया हो, क्योंकि माँ बाप निश्चिंत होने नहीं चाहते। बेटा हो जाए 60 वर्ष का, बाप हो 80 वर्ष का, तो भी वो सुबह बाद आवाज लगाएगा, बेटा भी मोबाइल से सो रहा है, वो दुकान पे नहीं जाना है, और मानता है मैं नहीं रोजे जगाऊंगे, तो कभी दुकान पे जाए गई थी और सारा बर्बाद हो जाता, लेकिन मैं नहीं करता रहा, मानता है। जब भी भार कम करेंगी तो बेटियां करेंगी, बेटा नहीं। बेटियां रहेंगी 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, आज तक आखिर तो जानेंगी ना, पर तेरे माता का भार खत्म तो हो जाएगा ना, बेटी की दुकान तेरे को तो नहीं संभालनी पड़ेगी ना, ये बेटों को तो इसके तू समझता है, ये तो अंत तक तैरने वाले हैं। लेकिन ना बेटियां करेंगी ना बेटा। हाँ, एक तिरुमत नाम की एक बेटी ऐसी है कि तुम उसकी शरण में चला जाए तो तेरा भार एक मिनट में उतर सकता है। क्यों? नेहरू के बारे में किसी ने एक कविता का एक खंड लिखा था, एक बढ़िया से मुझे याद आ रहा है इस वक्त। अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, इंदिरा गांधी के बारे में है क्या? अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। अंगूर को आप जानते हैं, और उसकी बेटी माने शराब, अंगूर से बनती है शराब, और उसने सारी दुनिया को बेहोश कर दिया। अंगूर की बेटी ने इतना कमाल कर दिया, यदि अंगूर के बेटा होता तो क्या होता, फिर तो सारी दुनिया मर ही जाती। अब अंगूर माने जवाहरलाल नेहरू, और उसकी बेटी माने इंदिरा गांधी, और उसने कर दिया कमाल माने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, है ना। यदि उसके बेटा होता तो क्या करता, जब बेटा होता तो कुछ नहीं करता क्या? अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। इसलिए कहते भाई, यदि तेरे को निश्चिंत होना है, माथे का भार उतारना है, तो बेटा बेटी कभी तेरा भार उतारने वाले नहीं है। एक किरमत पर आए कि एक श्रद्धा जी तेरे चित्त में हो गई तो एक सेकंड में सारा भार तेरे माथे से उतर जाने वाला है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छी तरह सोच लो भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे कहने से जबरदस्ती आप मान लो, ये जबरदस्ती गले उतारने की बात नहीं है। खूब सोचो समझो, मेरे कहने से मान भी लोगे तो तुम्हारा उससे कुछ कल्याण नहीं होगा। दूसरा पंडित आएगा और वो ये समझाएगा कि नहीं नहीं ये सब बात गलत है, तो तुम उसकी मान लो। लेकिन जब तक अपनी बुद्धि से, विवेक से, तर्क से, युक्ति से, शास्त्रों को पढ़कर निश्चय नहीं करोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। यदि हमें नहीं मानेंगे सर्वज्ञता के आधार पर, तो सारे प्रतिमान योग पर क्रॉस करना पड़ेगा, सारे करुणा योग पर क्रॉस करना पड़ेगा, करुणा योग पर क्रॉस करना पड़ेगा। जो मैंने आपको उदाहरण दिए कि करने में हमारा क्या फर्क पड़ता, अरे कर दोगे तो वहां पहुंच जाओगे पशुओं की श्रेणी में। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? इतना ही तो अंतर है कि हमें अपने माँ बाप से बहुत कुछ मिला है, ज्ञान विज्ञान साथ जिनमें पढ़ा है, माँ बाप से सब मिला क्या नहीं मिला, और पशुओं को बेचारों को कुछ नहीं मिला। उन्हें सब कुछ अपने आप सीखना पड़ता है, पानी में तैरना अपने आप सीखना पड़ता है, उनको कोई मास्टर नहीं सिखाता, हमें सिखाता है। यदि हमने ये कोशिश की कि अपने शास्त्रों से जो पूर्वजों ने हमें ज्ञान का भंडार दिया है, यदि उस ज्ञान भंडार की उपेक्षा की
तो हम पशुओं की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? एक तो अंतर है कि मां बाप से उन्हें कुछ नहीं मिलता, दो चार महीने दूध मिलता है बेचारे बछड़े को गाय का, तो हम लेकर जाते हैं उसे पीने नहीं देते। लेकिन मनुष्य को अपने मां बाप से कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं करोड़पतियों के बीच में रहते हो इसलिए ऐसी बात करते हो, ऐसे भी हमने लोग देखे जिन्हें मां बाप से कुछ नहीं मिलता है। अरे कैसी बात करते हो, रुपया पैसा नहीं मिलता होगा तो कर्जा मिलता होगा, लेकिन मिलता जरूर है मां बाप से मनुष्य के बीच। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमें अपने मां बाप से मिला है उसे कई गुना करके अपने बच्चों को हम दे जाए। तो मैं पूछता हूं कि रुपया पैसा धन संपत्ति मिली थी, यही संपत्ति है जो आप दसगुनी करके देना जाना चाहते हो बच्चों को? जो हमें नवोकार महामंत्र मिला, जो हमें तत्व ज्ञान मिला, हमें ये क्रमवत पर्याय की श्रद्धा मिली, सच्चे देवसाथ गुरु मिले, ये क्या हमारी संपत्ति नहीं है? यदि हमारी ये संपत्ति है तो इसे दस गुना करके अपनी संतान को दे जाने का भाव हमें क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। ये जो तत्व ज्ञान हमें मिला है भाई साहब, यदि हमने इंकार कर दिया सर्वज्ञता से, क्रमवत पर्याय से, शास्त्रों की वाणी से, तो हम जीरो हो जाएंगे और हमको जीरो से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। विज्ञान भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी कहे मैं तो जीरो से शोध करूंगा तो चलेगा? कि आज तक जो मेडिकल में शोध हो गई है, हर डॉक्टर उसके आगे शोध करता है, वैज्ञानिक कभी कि वही से शुरू करेगा? हर आदमी जीरो से शुरू करेगा? मनुष्य पर्याय में जीरो से शुरू नहीं होता। ये हमारी जिनवाणी, हमारी निधि है, उस पर श्रद्धा के साथ देखकर हम निर्णय करें। फिर हम कैसे निश्चिंत और निर्भर नहीं होते हैं, होंगे होंगे और अवश्य होंगे।